ऐसे नायाब वीडियो जो है ना नाजरीन आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेंगे। क्या मोहब्बत का नज़ारा है। इसका जो है ना एक किसी के साथ जो है ना ये झगड़ा हुआ था ऊपर ब्लॉक में जो है। जिसकी वजह से जो है ना इसका निचला वाला हिस्सा जो है किसी पत्थर पर लगा था जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन की वजह से जो है ना इस पे जो है कीड़े मकोड़े लग गए थे। तो आज इसका ट्रीटमेंट किया है। बीमार होने की वजह से जो है ना आपको इसके अंदर इतना ज़्यादा जान और फुर्ती नज़र नहीं आएगा, वरना ये 10 बंदों के लिए संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ये सोनुल्ला साहब जो है ना याक को लेके जा रहे हैं गांव की तरफ। याक जो है ना बीमार हो गया था ना, जिस वजह से जो है ना इसकी इलाज मुआलिश के लिए जो है ना इसको गांव में लेके जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा याक जो है। किसी के साथ जो है ना ये झगड़ा हुआ था ऊपर ब्लॉक में जो है, जिसकी वजह से जो है ना इसका निचला वाला हिस्सा जो है किसी पत्थर पर लगा था जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन की वजह से जो है ना इस पे जो है कीड़े मकोड़े लग गए थे। तो आज इसका ट्रीटमेंट किया है। Certo, e gas. E gas ele encaro. Isso é jolo, com dois varias, é? Chequil dois, é? Certo. Assalamu alaikum, doston, kaise ho? Aaj main hu pahadon ka badshah Yaak ke saath. तो बादशाह याक है ना, थोड़ा सा आज इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आज हम आपको डिटेल वीडियो दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों, हमको आज आपको सारे वीडियो दिखाएंगे कंप्लीट। तो चले दोस्तों, ऐसे नायाब वीडियो जो है ना नाजरीन आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेंगे। क्या मोहब्बत का नज़ारा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों के लिए प्लीज। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग याक को गिराने लगे। तो अभी याक को गिराना इतना आसान काम नहीं है, तो अभी एहतियात से हम इनको रस्सी बांधेंगे और ही एहतियात से इसको गिराएंगे, क्योंकि ये बीमारी भी है, इसलिए इसको थोड़ा आराम से ही गिराने होंगे। तो आप देखते रहे दोस्तों। पहाड़ों का शहजादा याक का इलाज करना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक नायाब वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में पेश हुए हैं। बदले में आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने दोस्तों। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक छोटी सी हेल्प हो जाएंगे मेरा और आप लोगों का कुछ नहीं जाता दोस्तों।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजिमी कीजिए। दोस्तों अभी डॉक्टर साहब का कहना है कि याक का घाव बहुत ही बढ़ चुका है, आप लोगों ने इसको ट्रीटमेंट करने से बहुत ही देर कर चुके हैं, अभी मैं कोशिश करता हूं, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ देते कि ये हम दुआ करते कि अल्लाह ताला इसको बहुत जल्द ही याक को हमारे याक को सेहत दें, आमीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर याक का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, तो क्योंकि डॉक्टर भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है और याक के साथ। जी दे बनो नंबर बना तो दोस्तों फाइनली याक का इलाज पूरा हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद हम इसको गांव की तरफ ले जाएंगे।
अगर इसको यहाँ पर फिर से छोड़ के रखे तो ये फिर से किसी के साथ लड़ाई करेंगे तो फिर से और मुश्किलात सामना करना पड़ेंगे हमें। इसलिए हम इसको 2 से 3 दिन तक हमारे गांव की तरफ ले जाएंगे, फिर इसकी हालात यानी बेहतर होने के बाद फिर से हम इसको ला कर यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में फिर से इसको छोड़ देंगे। ये सोनुल्ला साहब जो है ना याक को लेके जा रहे हैं गांव की तरफ। याक जो है ना बीमार हो गया था ना, जिस वजह से जो है ना इसकी इलाज मुआलिज के लिए जो है ना इसको गांव में लेके जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा याक जो है, बहुत ही डेंजरस जानवर है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। ये आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेगा। ये लोअर खरफाक लेक, बीमार होने की वजह से जो है ना आपको इसके अंदर इतना ज़्यादा जान और फुर्ती नज़र नहीं आएगा, वरना ये 10 बंदों के लिए संभालना भी मुश्किल हो जाता है। अभी मैं अकेला संभाल रहा हूँ। अभी ये एहसानुल्लाह विलाक जो है ना अकेला संभाल रहा है, और पीछे से जो है ना इंजीनियर शकील DDM इंजीनियर गांछे जो है ना, खूबसूरत सयाग जो है शकील अहमद, इंजीनियर शकील अहमद। ये देखे ये देखे, ये हमारी तरफ जो है ना गुस्से से देख रहा है। गाड़ी आने पे क्या रिएक्शन देंगे ये हम आपको दिखा देते हैं नाज़रीन। ये देखे गाड़ी आने पे जो है ना ये थोड़ा सा डर रहा है,